दोस्तों आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक लोको पायलट की जिंदगी एक महिला ने खराब कर दी, जिसके चलते उस हादसे में उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया और उन्होंने किस तरह मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी जान बचाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत हिंदी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे की ओर। दोस्तों ये कहानी है निमेश की, जो बताते हैं कि मैंने लोको पायलट की नौकरी के दौरान अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से किस्से देखे जिनसे मैं जूझते हुए सुलझ भी जाता था, पर वो एक किस्सा मेरी ज़िंदगी का ऐसा किस्सा था जिसने मुझे ज़िंदगी भर दुखों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। मेरे 15 साल के अनुभव में वो एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर क्या थी वो घटना, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ। घटना ये थी कि उस रोज जब मैं एक पैसेंजर ट्रेन को लेकर मुड़िया पुल को पार कर रहा था, ठंड का समय था, देर रात होने के कारण कोहरा भी अधिक छा गया था, जिस वजह से सामने का नज़ारा ठीक से दिख नहीं रहा था, पर ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मैं और मेरा सहकर्मी आपस में घने कोहरे के बारे में बातें ही कर रहे थे कि अचानक ही ट्रेन ने एक जोर का झटका लिया। उस झटके के साथ ही ट्रेन की स्पीड भी धीमी पड़ गई। ट्रेन की गति में आई इस कमी की वजह से एक बार को मुझे लगा कि ट्रेन में ज़रूर कोई बड़ी खराबी आ गई है, लिहाजा मैंने तुरंत ही ट्रेन में सारी जांच की तो सब कुछ ठीक ही था। तभी मेरे साथ बैठे मेरे सहकर्मी ने कहा, सर सब कुछ तो सही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। मैंने सर को हाँ में हिलाते हुए ट्रेन की स्पीड बढ़ानी चाही, पर ट्रेन की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि ट्रेन अपनी धीमी ही रफ्तार में चल रही थी। मैंने ट्रेन में आई खराबी के बाद तुरंत ही आगे रेलवे के अधिकारियों को बता दी ताकि ट्रेन में आई खराबी की वजह से आगे कोई दुर्घटना ना हो जाए। जब ये खबर मैंने रेलवे विभाग को दी तो उन्होंने मुझे ट्रेन को चलते रहने को कहा और आगे भी वो संभाल लेंगे, ये कहकर उन्होंने मेरे अंदर हो रही बेचैनी को कुछ हद तक कम कर दिया। पर मेरे मन में अभी भी ट्रेन में आई खराबी को लेकर दुविधा बनी हुई थी कि अब आगे क्या होगा। खैर अभी मैं और मेरा सहकर्मी चमन इसी उधेड़बुन में थे कि ट्रेन में क्या हुआ है। इस बीच चमन जोर से चिल्लाते बोला, अरे हट वहां से नहीं तो मर जाएगी। इस पर जब मैंने सामने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि एक महिला पटरी पर बैठी हुई है। चमन के बार बार आवाज देने पर भी वो महिला हट नहीं रही थी। फिर मैंने भी चमन की तरह आवाज देकर उसे पटरी से हटने को कहा। अभी हम दोनों उस महिला को वहां से हटाने की कोशिश ही कर रहे थे कि इसी बीच ट्रेन उसे रोनते हुए आगे बढ़ गई। उस महिला के ट्रेन के नीचे आते ही मेरे दिल में धक से हो गया। एक पल को तो मैं भूल गया था कि ट्रेन में कोई खराबी भी आई है, बस उस महिला पर ही ध्यान बना रहा जो अभी अभी ट्रेन से कट गई थी। अभी मैं उस महिला के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मुझे रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोने की आवाज़ से लग रहा था कि जो कोई भी रो रहा है वो बहुत ही दर्द में है और बुरी तरह से तड़प रहा हो। मैं अभी उस आवाज़ को सुन ही रहा था कि वो आवाज़ आखिर है किसकी। किसी बीच मेरा ध्यान मेरे सहकर्मी चमन पर गया तो मैंने पाया कि चमन उस ठंड भरी रात में पूरी तरह से पसीने से लथपथ है। साथ ही मैंने गौर किया कि वो मेरे साइड में खिड़की के बाहर घूरे जा रहा है। जब मैंने अपने साइड वाली खिड़की के बाहर देखा तो एक पल के लिए मेरे शरीर में भी सिरहन सी दौड़ गई। दरअसल ट्रेन के बाहर वही महिला ट्रेन के साथ चल रही थी जो अभी ट्रेन से कटी थी। वो दौड़ने के साथ साथ बुरी तरह से रोए जा रही थी और उसके रोने की आवाज़ से मैं समझ गया कि जो अभी कुछ देर पहले आवाज़ आई थी वो इसी महिला की थी। उस महिला को ट्रेन के साथ चलते देखकर जहां मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था तो वहीं चमन जो मेरा सहकर्मी था वो पूरा कप कपाए जा रहा था। मैंने किसी तरह चमन को हिम्मत देते हुए कहा, चमन क्या हुआ तुम्हें, कुछ नहीं होगा, डरो मत। ये बोलकर मैं अभी चमन को हिम्मत दे रहा था कि तभी चमन एकदम से नीचे झुका और उसने वही नीचे पड़े एक लोहे की चीज को उठाकर उस महिला को जोर से दे मारा। तभी वो महिला उस चीज के लगते एकदम से जोर से चीखने लगी, यानी कि वो अब पूरी तरह से गुस्से में आ गई थी। उस महिला को गुस्से में आते देखकर अब मैं घबरा गया था कि कहीं वो महिला हमें कुछ कर ना दे। अभी मैं और चमन इसी उधेड़बुन में थे कि अब क्या किया जाए कि तभी मुझे मेरे पीछे से किसी के गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई गुस्से में हो। उस आवाज़ के सुनते ही जैसे ही मैं अपने पीछे पलटा तो मेरे तो अंदर धक्सा हो गया और वहीं चमन की जोर से चीख निकल पड़ी। अभी हम दोनों डर से कांपते हुए उस महिला को ही देख रहे थे कि इसी बीच इंजन में चल रहा बल्ब एकदम से बुझ गया
और पूरे इंजन में अंधेरा पसर गया। तभी मेरी नज़र मेरे आसपास गई तो हमने पाया कि अब हम इंजन में नहीं बल्कि ट्रेन की पटरी पर खड़े हैं। मैं और चमन सोचने लगे कि हम दोनों अभी अभी तो अंदर इंजन में थे तो हम बाहर पटरी पर कैसे पहुंच गए। पर इंजन में वो महिला अभी भी मौजूद थी और हमें देखकर जोर जोर से रोए जा रही थी। वो ट्रेन अब हमारी ओर दौड़ी चली आ रही थी जिस वजह से हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए उन पटरियों पर दौड़ने लगे। पटरियों पर दौड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि हम पुल पर जो थे वो 3 किलोमीटर का पुल पार करना हमें बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पर हम दोनों किसी तरह अपनी रफ्तार में दौड़ते रहे। तभी मैंने दौड़ते हुए एक बात नोटिस की कि अब मैं अकेला ही दौड़ रहा हूँ। जब मैंने अपने साइड में देखा तो चमन मेरे साथ में नहीं था। मैंने झट से पीछे देखा तो चमन पीछे पटरी पर नीचे पड़ा अपने बचाने की गुहार लगा रहा था। पर वो ट्रेन अब उसके बेहद करीब आ गई थी। मैंने एक बार को चमन को बचाने का भी सोचा पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरे सामने देखते ही देखते चमन की ट्रेन से मौत हो गई। चमन की मौत का मुझे दुख तो बहुत हुआ पर इससे पहले ट्रेन मीर तक पहुंचती कि मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। तभी मैं ठोकर खा गए वहीं पर नीचे गिर पड़ा। पर जब मैंने ध्यान से सामने देखा तो मैंने पाया कि पुल अब पार हो चुका है। पुल को पार होता देख जहां मुझे खुशी हो रही थी तो वहीं मेरे अंदर अभी भी ट्रेन से कट जाने का डर था। लिहाजन मैं तुरंत ही उठा और पटरी पर सीधा दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद अब मैंने महसूस किया कि अब मुझे उस ट्रेन की कोई आवाज़ तक नहीं आ रही थी, यानी कि अब मुझे उसके होने का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और फिर जब मैंने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि अब वो ट्रेन रुक चुकी है। ट्रेन को रुका देखकर मैं भी रुक गया और मैं जल्दी से ट्रैक से हट गया। फिर ट्रैक से दूर हटने के बाद मैंने इधर उधर देखा यह देखने के लिए कि कहीं वो महिला जो कि कुछ देर पहले मेरे पीछे पड़ी हुई थी कहीं वो यहाँ आसपास तो नहीं है। मगर दूर दूर तक मुझे वो महिला तो छोड़ो कोई जानवर तक दिखाई नहीं दिया सिवाय वहाँ पर मौजूद घोर सन्नाटे के। मुझे थोड़ी राहत मिली कि मैं अभी ठीक ठाक हूँ और मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। मैं अभी शांत बैठा तेज तेज सांसें ही ले रहा था कि तभी मुझे पटरियों में जोर का कंपन महसूस हुआ, यानी कि अब जो पटरियाँ थी वो जोर जोर से हिलने लगी थी। और पटरियों को हिलता देख मैं समझ गया कि बला अभी टली नहीं है। लिहाजन में तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और उन कपकपाती पटरियों को देखने लगा। इसी बीच मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने चारों तरफ घूमकर भी देखा पर मुझे कोई नजर ही नहीं आया। तभी मैंने डरते हुए अपनी कांपती हुई जुबान से कहा, कौन है यहाँ पर? पर मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा है पर वो कौन था ये तो मुझे मालूम नहीं। इससे पहले कि मुझे वो कोई हानि पहुंचाए कि मैं तुरंत ही वहां से सरपट भागा। पर मुझे उसके होने का एहसास अभी भी हो ही रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये कौन सी आफत मेरी जान के पीछे पड़ गई है और इससे कैसे बचा जाए। ये सब सोचते हुए मैं भागता ही रहा और भागते भागते मेरी हाँफी भी छूटने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरे प्राण निकल जाएंगे क्योंकि वो मुसीबत अभी भी मेरे पीछे ही पड़ी हुई थी जिस वजह से बचने का कोई भी चांस नहीं था। फिर इसी बीच मुझे जोर की ठोकर लगी और मैं वहीं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा जिससे मेरे माथे में चोट भी आ गई। पर वो चोट मेरे डर के आगे कुछ भी नहीं थी तो मैं फिर से जल्दी से उठा और इसी बीच मुझे जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और साथ ही पायलों की छनछन की भी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। आवाज़ से मैं समझ गया कि ज़रूर ये वही महिला है और यही मुझे परेशान कर रही है जो कि कुछ देर पहले हमें परेशान कर रही थी। तभी मैं माथे पर अपना हाथ लगाए वहाँ से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक हॉल्ट दिखा जहाँ मेरे अंदर उम्मीद का दिया जला कि कोई आदमी उस हॉल्ट में ज़रूर होगा। तो मैं तुरंत ही उस ओर दौड़ा और जब मैं उस हॉल्ट में पहुँचा तो मैं सीधे उस कमरे में गया जहाँ एक अपॉइंटमैन बैठा होता है। जब मैं उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां पर काफ़ी अंधेरा है और कोई भी किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं है, यानी कि वहां सिर्फ सन्नाटा ही था जो मेरे दिल में एक अलग ही डर का माहौल बना रहा था। तभी मैंने अपनी चढ़ती हुई सांसों के साथ एक आवाज़ लगाई, भाई कोई है यहाँ पर? मैंने कई बार आवाज़ दी पर वो आवाज़ दीवारों से टकरा कर मुझे ही वापस से सुनाई दे रही थी जिससे लग रहा था कि ये कमरा पूरा खाली है। लिहाजन मैं थोड़ा अंदर गया ये जानने के लिए कि यहाँ जो काम करता है वो कहीं सो तो नहीं गया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि जब मैं थोड़ा अंदर गया
तो एहसास हुआ कि अंदर वाकई कोई नहीं है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई इंसान तो छोड़ो कोई वस्तु भी मौजूद नहीं है, यानी कि वो कमरा पूरी तरह से खाली ही पड़ा था। मैं समझ गया था कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए उठाए ही थे कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और एक जोर का धक्का मारा, जिस वजह से मैं वहीं कमरे की दीवार में जाकर लगा। मैंने इधर उधर भी देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे बस उसके होने का एहसास हो रहा था। तभी मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि माफ़ी मांगने पर मुझे उस महिला की ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो महिला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो मुझे मारकर ही दम लेगी। मुझ बेबस के पास वहाँ से सिर्फ भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैं वहाँ से किसी तरह बाहर निकला और पटरों के बगल में भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि तभी एक हवा का झोंका मेरे से ज़ोर से टकराया और मैं टकराते ही पटरों के बीच में जा गिरा। मैंने अभी अपने आप को संभाला ही था कि वो ज़ोर से गुस्से भरी सांसें फिर से सुनाई दी। मैं हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और अभी भागने वाला था कि तभी अचानक ही ट्रैक चेंज हुआ और मेरा एक पैर पटरों के बीच में फंस गया। अब उस महिला का साया मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। मैं मरने के डर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पर वहाँ उस वीरान जगह और खामोश रात में मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। मैं अभी चीख पुकार कर ही रहा था कि तभी एक तेज दर्द के साथ मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा और जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मेरा जो एक पैर ट्रैक में फंसा हुआ था अब वो टूट गया था, साथ ही उसमें से खून भी बहे जा रहा था। पैर टूटने की वजह से दर्द के साथ साथ अब मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा छा गया, यानी कि अब मैं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरी तरह ही और भी मरीज उस वार्ड में थे, पर मेरे पास उस वक्त ना ही तो मेरा कोई घर वाला था और ना ही कोई और शख्स। और जब मैंने ध्यान से अपने पाँव को टटोल के देखा तो मेरा पाँव नीचे से कटा हुआ था। अपने पाँव को कटा देख मैं बुरी तरह से घबरा गया और वहीं बेड पर लेटे लेटे ही बुरी तरह से रोने लगा। मैं अभी अपनी आंखों से बहते आंसू ही पोंछ रहा था कि इसी बीच वहां पर एक डॉक्टर आ गया, जो मुझे देखते ही पहले तो मुस्कुराया और फिर उसने पूछा, कैसी है अब आपकी तबीयत? मैंने उदास मन से डॉक्टर को धीरे से कहा, जी तबीयत तो ठीक है सर। तभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, सर मैं यहाँ पर कैसे आया? तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक पर्ची थमाते हुए कहा, ये लो इस नंबर पर कॉल कर लेना। वो कौन था ये तो हमें नहीं मालूम, पर अच्छी बात यह है कि तुम 1.5 महीने बाद होश में आ गए और तुम सही सलामत हो। इतना बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। और जब मैंने 1.5 महीने वाली बात पर गौर किया तो मैं हैरान हो गया कि मैं इस अस्पताल में 1.5 महीने से हूँ। तभी मैंने साइड में बैठे एक भाई साहब से फ़ोन पर वो नंबर मिलाने को कहा जो मुझे डॉक्टर साहब ने दिया था। दरअसल मैं उस आदमी को धन्यवाद देना चाहता था, और वैसे भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि उस आदमी ने मुझे इस नंबर पर कॉल करने को कहा है, तो मैंने उन भाई साहब को वो नंबर मिलाने को दे दिया। और जब कॉल पर उस आदमी से बात हुई तो पहले तो मैंने उससे नमस्ते बोला और धन्यवाद बोलते हुए कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इतना सुनते उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे बचने की खुशियों पर दुखों के बादल फिर से छा गए। दरअसल उस आदमी ने कहा कि अभी तुम पूरी तरह से बचे नहीं हो, वो तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी, जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे आकर मिलो। और ये बोलकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। उस आदमी की बात सुनकर मेरे अंदर उस महिला का खौफ फिर से जाग गया, पर मैंने उस आदमी की बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और फिर सीधे अपने घर वालों को मैंने इतला कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया और घर वालों के साथ मैं अपने घर पहुंचा, जहां पहुंचकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और घर पर पहुंचकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। घर पहुंचकर सब कुछ ठीक तो था, पर मुझे अपने आसपास किसी के होने का अभी भी एहसास होता था। और जब मैं रात को सोता तो बहुत ही भयानक सपने आने लगे, जिनसे देर रात मेरी चीखते हुए आँख भी खुल जाती। कभी कभी तो मैं सपने में अपने आप को वहीं ट्रैक के पास पाता जहाँ मेरा एक पांव फंसा हुआ होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो मेरी तबीयत भी दिन पे दिन बिगड़ती ही जा रही थी, यानी कि अब मैं दिमागी रूप से
बीमार रहने लगा था। मैंने अपने घर वालों को भी ये बात बताई, पर वो ये कहकर टाल देते कि ये सब तुम्हारे अंदर उस महिला के डर का खौफ है जो तुम्हें बार बार याद आ रहा है। अगर तुम उन बातों को भूल जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं था। मैंने कई बार अपने आप को शांत भी किया, पर बार बार रात के समय मैं अपने आप को वहीं रेलवे ट्रैक पर ही पाता। फिर एक दिन मुझे ध्यान आया कि मुझे डॉक्टर साहब ने एक नंबर दिया था और मैंने उस आदमी से बात भी की थी जिसने मुझे जल्द से जल्द मिलने को कहा और साथ ही कुछ खौफनाक बातें भी बताई थी। फिर मैंने तुरंत उस आदमी को फ़ोन किया। फिर उस आदमी ने मुझे अगले दिन शाम 5 बजे मिलने को कहा। उस आदमी से बात करने के बाद मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और दिन से शाम और शाम से रात तक मन में एक बेचैनी सी बनी रही। खैर, मैं अगली सुबह किसी तरह लंगड़ाते हुए नज़दीकी बस डिपो पहुंचा और वहां से 7 बजे वाली बस पकड़कर मैं निकल पड़ा मंडोल नगर के लिए। पूरे सफ़र में मुझे बस उसी बात का ख्याल आता रहा कि मैं ये कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ और अब आगे क्या होने वाला है। सफ़र करते वक्त मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पर पांव कटे होने की वजह से मैं अरकसाता रहा। फिर तकरीबन शाम 3:30 बजे बस ने मुझे मंडोल नगर बस स्टैंड पर उतार दिया, जहां उतरते ही मैंने सबसे पहले उस आदमी को कॉल किया तो उसने मुझे मंडोल नगर से 2 किलोमीटर दूर एक रेलवे हॉल्ट पर आने को कहा। फ़ोन रखने के बाद अब मैं कोई साधन तलाश करने लगा, क्योंकि मैं 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय नहीं कर सकता था, तो मैं वहीं बैठकर किसी सवारी का इंतज़ार करने लगा। फिर काफ़ी देर बाद मुझे वहां पर एक रिक्शे वाला आते हुए नज़र आया। मैंने उसे हाथ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, यहाँ नज़दीक में एक रेलवे हॉल्ट है, वहाँ चलोगे क्या? पहले तो उस रिक्शे वाले ने मुझे मना कर दिया, पर उसे शायद मेरी कटी टांग देखकर मुझ पर दया आ गई तो वो जाने के लिए राजी हो गया। मैंने पैसों की बात की तो उसने कहा, अरे भाई साहब, जो देना हो उसे दे देना, आप बस बैठ जाओ। मैं भी ज़्यादा बात ना करते हुए रिक्शे में बैठ गया और तकरीबन 20 मिनट बाद हम पहुँचे उस रेलवे हॉल्ट पर। मैंने उस रिक्शे वाले को 100 का नोट थमा दिया और उतर कर पहुँचा उस हॉल्ट पर, जहाँ पर मैंने देखा कि एक आदमी टूटी हुई कुर्सी पर बैठे बैठे अपने हाथ से तंबाकू रगड़ रहा है। मैंने उसके पास जाते पूछा, आप ही मदनलाल हैं? तो उसने कहा, हाँ, मैं ही मदनलाल हूँ और मैं यहाँ पर एक पॉइंटमैन का काम करता हूँ। वैसे तो उस आदमी ने मुझे पहचान लिया और वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठने को कहा। पहले तो उस आदमी ने मेरे हालचाल पूछे और फिर बातों ही बातों में मैंने ध्यान दिया कि वो आदमी भी मेरी ही तरह है, यानी कि उस आदमी का भी पाँव कटा हुआ था। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने अपनी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी बताई और फिर उसके बाद जब मैंने उसे अपनी आप बीती बताई तो उसने कहा कि तुम अभी तक जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, नहीं तो आज तक जो कोई भी उस औरत के हत्थे चढ़ा वो जिंदा नहीं बच पाया, क्योंकि हादसे के बाद ठीक अगले 13वें दिन उस शख्स की मौत हो जाती है। और फिर उसने आगे कहा कि कहते हैं वो औरत एक गरीब घर से है और यहीं पास के गाँव में उसका ससुराल है, पर पति और सास के गलत बर्ताव से तंग आकर एक दिन वो घर छोड़कर अपने मायके जा रही थी और मुड़िया पुल के पास वाले पुराने हॉल्ट के पास से पटरियों को क्रॉस करते वक्त उसका पांव ट्रैक में फंस गया। उसने वहीं के पॉइंटमैन से मदद भी मांगी, पर इससे पहले कुछ हो पाता कि तभी एक ट्रेन दनदनाते हुए आई और उस औरत को रौनते हुए निकल गई। तब से उस औरत की आत्मा हर रेलवे कर्मचारी से नफरत करती है। कहते हैं साल में एक दिन ऐसा होता है जब उस औरत का साया मुड़िया पुल से लेकर पुराने हॉल्ट तक मौत बनकर घूमता है। फिर आगे उस आदमी ने बताया कि वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ किसी काम के चलते पहुँच गया, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं होते, वो औरत ऐसे ही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ऐसे हादसे के बाद उस औरत ने मेरा भी पीछा नहीं छोड़ा था। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए उस आदमी से कहा, आप मुझे उस औरत से बचने का कोई तरीका बताएं। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से 32 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है, वो उस महिला का मायका है जहाँ उसका एक ताऊ रहता है जो उसी के परिवार का है और उसकी उम्र तकरीबन 92 साल की होगी और वो पेशे से एक तांत्रिक है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ उसी का कहा मानती है और वही आदमी आपको उस महिला से बचा सकता है। दोस्तों, सारी बात सुनने के बाद मैंने एक रात वहीं उस आदमी के कमरे पर ही काटी और फिर अगली सुबह उस आदमी के बताए पते पर निकल गया। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस गांव में अभी भी किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है। पूरे गांव में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 घर ही पक्के नज़र आ रहे थे और बाकी के सभी घर कच्चे बने थे। घर में लंगड़ाते हुए पूछते पाछते उस औरत के ताऊ से मिला, जहाँ पहुँच कर मैंने उन्हें पूरी बात बताई
और पूरी बात बताने के बाद मैं उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। फिर वो आदमी मुझे घर की कोठरी के भीतर ले गया और उसके बाद उसने मेरा और मेरे पिताजी का नाम पूछा। फिर पता नहीं वो मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा है, और जब वो ऐसा कर रहा था तो मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। मैं समझ गया था कि ये वही बला है जो अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। फिर तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद उस आदमी ने मेरे ऊपर राख की भभूति मारी और उसके ऐसा करते मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो तब तक काफ़ी शाम हो चुकी थी और वो आदमी मेरे पास बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। जब मैं उठकर बैठा तो पहले तो उन्होंने मेरे हालचाल पूछा, जिस पर मैंने उन्हें कहा जी मैं ठीक हूँ। मुझे भी उस समय काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और मैंने उनका उसी वक्त धन्यवाद भी किया। फिर वो रात वहीं पर काट कर मैं अगले दिन अपने घर आ गया और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। पर पाँव पर नज़र पड़ते ही कभी कभी मुझे उस औरत का ख्याल आ ही जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।